अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं सैयद अहमद हुसैन, आपका ऑनलाइन टीचर। बच्चों, आज हम छठी जमात ज्योग्राफिया का सबक नंबर 4 मौसम और आबहवा, इसको आज हम पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो की मदद से हम इस सबक को समझते हैं। सबक नंबर 4 मौसम और आबहवा, इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस टेबल का मुशाहिदा कीजिए, इस जदवल का मुशाहिदा कीजिए कि इस जदवल में शहर, रियासत, वक्त, मौसम कैसा है, यहाँ पर उनकी मालूमात दी गई हैं। 10 जून को भारत के कुछ शहरों की आबहवा कैसी थी, यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि शहर कोची ये केरला रियासत में है और दोपहर 12:30 पर यानी 12:30 वहाँ का मौसम अबर आलूदा है। भोपाल शहर रियासत मध्य प्रदेश में है और दोपहर 12:30 वहाँ पर तेज़ धूप है। तीसरा शहर है मसूरी। मसूरी ये शहर रियासत उत्तराखंड में है और दोपहर 12:30 वहाँ का मौसम सर्द और मोतदिल धूप वाला है। आइए बच्चों, हम इसे समझते हैं कि एक ही वक्त में हमारे मुल्क में 3 अलग अलग शहरों का मौसम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। आइए हम इसे समझते हैं। भारत में दर्ज ज़ैल मुकामात पर मौसम की कैफियत दी गई। जदवल के मुताबिक इस जदवल की मदद से सवालात के जवाब दीजिए। सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मुकाम पर जल्द सूखेंगे, क्यों? किस मुकाम पर कपड़े देर से सूखेंगे, क्यों? इन मुकामात पर फिजा की हालत हमेशा ऐसे ही रहेगी या इसमें तब्दीली आएगी? आइए बच्चों, अब हम इन सवालात के जवाबात को ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, कोची, भोपाल और मसूरी, इनके मौसम कैसे हैं अभी हमने ये जाना। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि आम तौर पर भारत में 7 जून से मौसम बरसात की शुरुआत होती है। आइए इस नक्शे की मदद से हम इसे समझते हैं। ये हमारे मुल्क का नक्शा है और इसे हम देखते हैं। ये रियासत है केरला। केरला रियासत में ही कोची ये शहर है और केरला रियासत हमारे मुल्क के मग़रिब में वाक़े है। बारिश का चूंकि आम तौर पर 7 जून को मौसम में बरसात शुरू होता है, इसलिए बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस वजह से केरला और कोची वहाँ हवा में बुखारात का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर कपड़े जल्दी नहीं सूखते। बारिश में ऐसी कैफियत आपने भी महसूस की होगी। उसी तरह दूसरा शहर है, यह है रियासत मध्य प्रदेश। ये हमारे मुल्क के दरमियान में है और चूँकि भोपाल शहर में तेज़ धूप है, गीले कपड़ों का पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है और वहाँ पर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। भोपाल शहर में तेज़ धूप है, गीले कपड़ों का पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा और कपड़े जल्द ही सूख जाएंगे। आइए हम अगला देखते हैं। अगला शहर है वो है रियासत उत्तराखंड में मसूरी। मसूरी ये शहर रियासत उत्तराखंड में वाक़े है और उत्तराखंड मसूरी शहर ये ख़ते सरतान के शुमाल में होने की वजह से वहाँ सूरज की गर्मी कम मिलती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हवा सर्द होती है। सर्द हवा और मोतदिल धूप के सबब वहाँ पर कपड़े सूखने में ज़्यादा वक्त लगता है।
आइए अब हम आबहवा और मौसम इस सबक से कुछ सीखते हैं। मौसम यानी क्या? मौसम यानी क्या? सुबह सर्दी थी, दोपहर में सख्त गर्मी थी, दोपहर में अचानक बारिश हुई, अले सुबह सर्द हवा चल रही थी, शाम में बादल घिराए थे, रात में खूब चांदनी फैली हुई थी, हवा के झोंके भी चल रहे थे। यानी इन तमाम बातों से हमें ये मालूम होता है, ये क्या है? मौसम की कैफियत है। इसे हम मौसम की कैफियत कहते हैं। मौसम यानी क्या? किसी मुकाम की मखसूस वक्त में मौजूद वक्ती फिजाई हालत को मौसम कहते हैं। आमतौर पर भारत में मौसम किस तरह बनते हैं, आइए इसे हम समझते हैं। हमारे मुल्क में आमतौर पर तीन मौसम होते हैं, गर्मा, बारिश और सर्मा। गर्मा यानी गर्मी का मौसम, वो आमतौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होता है। बारिश का मौसम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है। वहीं सर्मा यानी सर्दी का मौसम हमारे मुल्क में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में होता है। मौसमों के लिहाज से हमारे लिबास भी बदलते रहते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि मौसम के लिहाज से हमारे लिबास कैसे होते हैं। बारिश के दिनों में हम कौन से लिबास पहनते हैं? जी हाँ बच्चों, बारिश के दिनों में हम रेनकोट, जैकेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऊन का लिबास हम कब पहनते हैं, बताइए? जी हाँ, ऊन का लिबास सर्दी के मौसम में हम ऊन का लिबास पहनते हैं। सर्दी के मौसम में हम ऊन के लिबास पहनते हैं। सूती कपड़ों का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जी हाँ, सही पहचाना आपने। सूती कपड़ों का इस्तेमाल हम गर्मी के मौसम में करते हैं, यानी सूती कपड़े हम गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। मौसम के मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से हैं, आइए हम इसे देखते हैं। मौसम के अहम अज्जा, दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा, रुतुबत, बारिश, ये मौसम के अहम अज्जा हैं। हरारत, ज़मीन की सतह को सूरज से हरारत मिलती है, इस हरारत की वजह से ज़मीन की सतह गर्म हो जाती है। जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दर्जा हरारत कम होता जाता है। इसी तरह खतेस्तवा से खुदबैन की जानिब हरारत कम होती जाती है। हवा का दबाव, वजन की वजह से हवा में जो दबाव होता है इसे हवा का दबाव कहते हैं। ज़मीन की सतह के करीब हवा का दबाव ज़्यादा होता है, बुलंदी पर हवा का दबाव कम होता है, इसे हवा का उमूदी दबाव कहते हैं। दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से भी हवा की दबाव में तब्दीली आती है, इस तब्दीली की वजह से हवा में बहाव पैदा होता है। हवा, हवा ज़्यादा दबाव वाले इलाके की जानिब से कम दबाव वाले इलाके की तरफ यानी उफक की मुतवाजी सिमत में बहती है, इसे हवा कहते हैं। हवा के दबाव के फर्क पर हवा की रफ्तार का इनेसार होता है। रुतुबत, जिस हवा में बुखारात ज़्यादा होते हैं वो हवा मरतूब होती है। फिजा में पाए जाने वाले इस नमी को रुतुबत कहते हैं। बारिश यानी क्या? हवा में पाए जाने वाले बुखारात के पानी और बर्फ में तब्दील होने और इनके दोबारा ज़मीन पर आने को बारिश कहते हैं। बरसात, बर्फबारी, ओला वगैरह बारिश की शक्लें हैं। मौसम और आबहवा में फ़र्क,
मौसम की कैफियत वक्त के मुताबिक बयान की जाती है, जबकि आब हवा लंबे अरसे के हालात के मुताबिक बयान की जाती है। मौसम में तब्दीली होती रहती है और इसे हम महसूस कर सकते हैं। हवा में तब्दीली लंबे अरसे के बाद होती है और वो आसानी से महसूस नहीं होती। आब हवा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल: अर्जुल बलदी मुखाम, सतह समंदर से बुलंदी, समंदर से नज़दीकी, बहरी रवे जैसे अवामिल आब हवा पर असर अंदाज होते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक कुछ समझ में आ गया होगा। अगले सबक में हम मौसम के एक अहम जुज़ हरारत की तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। अब आप भी इस जदल को मुकम्मल कीजिए। आब हवा के मुतालिक दर्ज ज़ैल कैफियात से रब्त रखने वाले तुम्हारे पसंद के मुकामात जदल में दर्ज कीजिए, नक्शे का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह हम अगले सबक में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।